नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस अपना। दोस्तों आज हम जानेंगे कार का इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसके अंदर ऑयल फिल्टर रहता है, और ये जो येलो कैप दिखाई दे रहा है दोस्तों इससे हम नया ऑयल डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कार इंजन कूल है मतलब कि ठंडा है, तो दोस्तों आप लोगों को पहले 5 मिनट के लिए कार को जो है स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। और वो 5 मिनट स्टार्ट करके रखने का कारण क्या है वो दोस्तों हम वीडियो के लास्ट तक बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 5 मिनट हो चुका है और हम कार स्टार्ट बंद कर दिए है, और अभी दोस्तों हम इंजन ऑयल जो है उसे ड्रेन करेंगे। उसके लिए हमारा ऑयल चैम्बर का जो नट है उसे खोलना होगा दोस्तों, और ये नट जो है दोस्तों इसे खोलने के बाद सारा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपका कार इंजन ऑयल चेंज करिए तब आपका कार जो है फ्लैट जगह पर होना चाहिए, और फ्लैट जगह पर होने से आपका कार का जो इंजन ऑयल है वो पूरा निकल जाएगा दोस्तों। और अभी हम दोस्तों पहले ऑयल का जो फिल्टर है वो चेंज करेंगे। तो दोस्तों जब भी कार इंजन ऑयल चेंज करे तब ये जो फिल्टर है इसे भी साथ में चेंज कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑयल ख़राब होने के साथ साथ उसमें डस्ट बन जाते हैं, और वो जो डस्ट होता है वो यही फिल्ट्रेशन करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर जिसे हम अभी नया लगाएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, प्लीज़। दोस्तों इस कैप में एक ओरिंग रहता है, देखिए दोस्तों ये ओरिंग आपको फिल्टर के साथ में मिलेगा। फिल्टर और ये ओरिंग साथ में ही आता है, और ये दोस्तों ये भी हमको चेंज करके लेना होगा। देखिए दोस्तों ये वाला रिंग ख़राब हो गया है, और ये हमारा नया फिल्टर है जिसे हम मार्केट से परचेस किया है 160 रुपीज़ से। और ये रहा ओरिंग, फिल्टर ऐसे नया है लेकिन वो बक्स में जो फिल्टर का बॉक्स है उसके अंदर थोड़ा डस्ट था, वो अभी मैं पोंछ के ले रहा हूँ। ये रिंग दोस्तों कैप में फिटिंग होगा, ये वाला फिल्टर का जो कैप है उसमें फिटिंग होगा। देखिए सिंपल है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। ये रिंग फिटिंग हो गया दोस्तों, अभी हम फिल्टर को कैसे सेट करना पड़ता है वो भी देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इस फिल्टर के साथ दो रिंग आता है, एक छोटा एक बड़ा, जो कि फिल्टर के साथ में ही लगा हुआ आता है। और दोस्तों ये फिल्टर यहाँ पे लगा देने के बाद दोस्तों थोड़ा प्रेस कीजिए, और ये फिल्टर जब लग जाएगा लॉक होगा वो आपको महसूस होगा। जब लॉक होगा ये फिल्टर दोस्तों लॉक होने से आपको पता चल जाएगा ये लॉक हो चुका है। देखिए दोस्तों अब ये नहीं हिल रहा है, मतलब कि ये लॉक हो गया है। अभी दोस्तों हम इसका कैप जो है इसे लगा देंगे। देखिए दोस्तों इसे अच्छी तरह से टाइट कीजिए, और ये नीचे का जो नट है जो ऑयल ड्रेन किया था उसे भी हम लगा के अपना हिसाब से टाइट कर देंगे दोस्तों। ये वाला नट जो है वो देख के ऑयल डालने के पहले, ऑयल इंजन में डालने से पहले दोस्तों आपको ये नट जो है लगा के टाइट करके लेना होगा।
और अभी दोस्तों हम ऑयल जो है उसे डालेंगे इंजन में। तो दोस्तों हमारा कार में जो पुराना इंजन ऑयल था और वो जितना दिन चल चुका है, मतलब 10,000 किलोमीटर हो या 15,000 किलोमीटर तक वो चल चुका है। तो दोस्तों सोचिए, वो 15,000 किलोमीटर तक चलने के बाद दोस्तों उसमें कितना कार्बन, मतलब कि डस्ट जम चुका होगा। तो दोस्तों ठंडा या बैठा हुआ इंजन में वो डस्ट नीचे गिरा हुआ रहता है, और तब दोस्तों कार को स्टार्ट करने से उस डस्ट का कुछ परसेंटेज, मतलब के वो इंजन ऑयल के साथ घुल जाता है, और जो के इंजन ऑयल चेंज करते समय आपको पुराना ऑयल के साथ कुछ डस्ट निकल जाता है दोस्तों।